तीन दिन ऐसे रहेंगे, तीन बार ऐसे रहेंगे, तीन तिथियां ऐसी रहेंगी, तीन समय ऐसा रहेगा जिस समय पर तेरे द्वारा निर्मित शूल को भी शिव धारण करेगा और जगत का कल्याण करेगा। तीन दिन, तीन तिथियां, तीन बार, तीन नक्षत्र, तीन घड़ी, तीन पल, जिसमें बाबा शूल भी धारण करते हैं। और शूल अकेले धारण नहीं करते महाराज, जो धतूरा होता है ना, दर्शन करें धतूरे के, कांटे कांटे सा होता है धतूरा, तो वो धतूरे के साथ में बाबा शूल धारण करते हैं, बेलपत्री के शूल को। ये बहुत बहुत आनंदमय कथा है महाराज जी। जिसके जीवन में हमेशा कांटे ही मिले हैं, बेटी बड़ी हुई तो घर में मायके में दुख देखा, और मायके से गई ससुराल में तो ससुराल में दुख देखा, ससुराल में भी दुख देखने के बाद में भी पति को बहुत कुछ काम खुलवाया, बहुत धंधे खुलवाए, नौकरी लगवाई, पर वो पति बार बार छोड़कर आ गया, बार बार तकलीफ भोग रहा है, बार बार कष्ट भोग रहा है। फिर थोड़े दिन काम करता है, थोड़े दिन छूट जाता है, फिर व्यापार में बढ़ता है, फिर छूट जाता है, फिर कोई दुकान खुलवाई, थोड़े दिन अच्छी चली, फिर वापिस वही घर पर आकर बैठ गया। अर्थात उसके जीवन में वो शूलता चल रही है। तो बाबा देवाधिदेव महादेव कहते हैं ये तीन घड़ी, तीन पल, तीन नक्षत्र, तीन समय, तीन दिन में जो शूल मुझे समर्पित करता है उसके जीवन से मैं शूल हटा देता हूं। वो तीन दिन लिखे स्कंद पुराण। महाराज बैसाख महीने में जो प्रदोष आती है, बैसाख के महीने में बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले आप प्रेम से सुन लो। भाव पहला, बैसाख महीने की प्रदोष, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, पर बैसाख महीने की प्रदोष, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के सात कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए। फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी, आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। एक वैशाख मास की प्रदोष, दूसरा शिवरात्रि के दिन मध्यान्ह का समय महाराज, जो बड़ी शिवरात्रि होती है माघ की, बड़ी शिवरात्रि के अंतर्गत मध्यान्ह का समय दोपहर के ठीक 12 बजे, चाहे फिर वो कोई भी दिन हो महाराज, शिवरात्रि जिस दिन पड़ रही हो, उस दिन भी धतूरे के साथ बाबा को सात कांटे बेलपत्री के वृक्ष के समर्पित होते हैं महाराज। इसमें आप ये वाले जो कांटे हैं जो शिवरात्रि के दोपहर 12 बजे वाले हैं, अगर कोई मदिरा पीने वाला हो, व्यसन में डूबने वाला हो, कोई जुआ खेलने वाला हो, कोई गलत वैश्यावृत्ति करने वाला, या अपने मार्ग से विचलित कोई व्यक्ति है, उसके लिए भी ये कांटे बहुत काम आते हैं महाराज। दूसरा, पार्वती तेरे द्वारा तेरे नयन अश्रु से जो प्रगटा हुआ बेल का वृक्ष है, द्वितीय शूल मैं वहां धारण करता हूं, तृतीय शूल, तीसरा शूल जो वर्णन करा गया महाराज, भगवान श्रावण के महीने में, श्रावण के महीने में जो भी दूसरा सोमवार पड़े, जो भी पड़े श्रावण के महीने का दूसरा सोमवार,
आप सबको पहले भी श्रवण के महीने में जो कथा कही उसका व्याख्यान वर्णन करा कि श्रावण का महीने का महत्व क्या है, वो भी आपको ऑनलाइन कथा में आप लोग सुन चुके हैं, लाइव कथा में श्रावण का पूरा महत्व बताया था कि श्रावण के महीने में शंकर भगवान को पूरा लेखा जोखा का भार प्रदान किया गया था। दूसरा सोमवार, श्रावण के महीने का जो दूसरा सोमवार होता है, उस दूसरे सोमवार में रात्रि के समय पर, अर्थात शास्त्र अब घड़ी और पल का स्मरण करेंगे तो रात्रि के बजेंगे 10 से 12 बजे, मारे 10 से 12 के बीच में धतूरे के साथ बाबा को शूल समर्पित होता है महाराज। ये भी हमारी बांधाओं को, हमारी तकलीफों को, व्यापार व्यवसाय के लिए, नौकरी सर्विस के लिए, बहुत सारे एग्जाम में आप बैठ लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठ लिए, नहीं हो रहा, ये तीन बार मेरे शंकर को बेलपत्री के वृक्ष के शूल समर्पित होते हैं, उसका आनंद पाना और उससे अपने को सुख प्राप्त करना। जब एग्जाम में बैठो, किसी परीक्षा को आप दे रहे, या कोई सब्जेक्ट, कोई विषय, कोई प्रश्न का उत्तर आपको याद नहीं हो रहा, मैथ का एक क्वेश्चन लेकर बैठे हुए हो, कई बार आपने उसको सॉल्व करने का प्रयास किया, वो नहीं हो रहा, कई बार प्रयास कर देखें, थोड़ा चंदन घिसकर शंकर जी के शिवलिंग को लगाने, 5 मिनट हो जाए उस शिवलिंग में से निकालकर ब्रह्मांड में मध्य में लगा लेंगे, फिर उस प्रश्न का उत्तर याद करने बैठना, दूसरी बार भूल नहीं पा। आज ही प्रैक्टिकल कर देखना, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, आज ही करके देखो, प्रैक्टिकल जरूर करना, बिना प्रैक्टिकल के मत रहना, प्रैक्टिकल जरूर करें, अवश्य करें। शरद पूर्णिमा की रात्रि को और कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को गर्भवती नारी अपनी नाभि पर यदि चंद्र की दृष्टि पड़वा लेती है तो बच्चा विकलांग पैदा नहीं होता है, गर्भ से जो बालक होगा श्रेष्ठ होगा, विद्वान होगा, चतुर होगा, पढ़ने में होशियार होगा, क्योंकि ये चंद्र की किरणें जब समुद्र में उछाल ला सकती हैं तो आपके जीवन में भी तरक्की ला सकती है। जब एग्जाम में बैठो, किसी परीक्षा को आप दे, या कोई सब्जेक्ट, कोई विषय, कोई प्रश्न का उत्तर आपको याद नहीं हो रहा, मैथ का एक क्वेश्चन लेकर बैठे हुए हो, कई बार आपने उसको सॉल्व करने का प्रयास किया, वो नहीं हो रहा, कई बार प्रयास कर देखो, थोड़ा चंदन घिसकर शंकर जी के शिवलिंग को लगाने, 5 मिनट हो जाए उस शिवलिंग में से निकालकर ब्रह्मांड में मध्य में लगा लेंगे, फिर उस प्रश्न का उत्तर याद करने बैठना, दूसरी बार भूल नहीं पा। आज ही प्रैक्टिकल कर देखना, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, आज ही करके देखो, प्रैक्टिकल जरूर करना, बिना प्रैक्टिकल के मत रहना, प्रैक्टिकल जरूर करें, अवश्य करें।